नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन की मौत, साथ ही 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री ने NSA आर्मी चीफ के साथ की बैठक। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट बोला CBI को नोटिस जारी करें। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का DNA टेस्ट हुआ, 349 अंकों के साथ 248 लोग पहचाने गए, इनमें 121 पुरुष, 127 महिलाएं शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस में लड़की से गैंग रेप का दावा, वही राहुल गांधी बोले आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, CBI FSL टीम जांच के लिए पहुंची अस्पताल। बिहार में 3 नदियां उफान पर, कानपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर, हिमाचल में 213 सड़कें बंद। अतीक के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, दरअसल 15 अगस्त को 17 पुलिस वालों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर 79,000 के स्तर पर बंद, तो वहीं निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.58 की तेजी रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की मंगलवार को ही बैठक के बाद बुधवार को शैलजा ने सोनिया से मुलाकात कर हरियाणा के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की थी। वहीं हरियाणा में इस समय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां उफान पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मंगलवार को पार्टी के महत्वपूर्ण बैठकों में भाजपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन की राजनीति को अंतिम रूप दिया। हरियाणा से कुमारी शैलजा और चौधरी उदयभान सिर्फ दो ही नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। शैलजा कांग्रेस महासचिव के नाते और उदयभान प्रदेश के अध्यक्ष के नाते इस राष्ट्रीय बैठक का हिस्सा बने। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर नई अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रासदी में मारे गए लोगों को याद किया। दरअसल CM सैनी ने कहा कि देश की विभाजन के त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विभीषिका झेलकर भारत आए लोगों ने भूखे प्यासे रहकर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और देश को आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया, साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी आगाह किया जिन्होंने विभाजन विभीषिका कार्यक्रम को लेकर राजनीति की। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका की त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में गांव मसाना में पंचनद द्वारा बनाया जा रहा स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है। दरअसल राम रहीम मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आया और उत्तर प्रदेश के बागपत में मौजूद आश्रम के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें, राम रहीम को साल 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वह रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। वहीं इस बीच राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आने के मामले में खूब चर्चा में रहता है। वहीं कई बार पैरोल में फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है। इस साल 2024 में उसे दूसरी बार फरलो मिली है। बताते चले कि कुछ समय पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC की याचिका पर निपटारा करते हुए कहा था कि पैरोल या फरलो मामले में सरकार के पास अधिकार है, जिसके कुछ दिनों बाद ही राम रहीम को फिर से फरलो मिल गई है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब डेरा प्रमुख को फरलो मिली है। इससे पहले भी राम रहीम जेल से छुट्टियां लेकर बाहर आता जाता रहा है। राम रहीम अब तक 10 बार जेल से बाहर आ चुका है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार तय ही नहीं है बल्कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। झूठ की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती है। प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह समझ चुकी है। जनता ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में बिठाने का मन बना लिया है। हर वर्ग के लोग पार्टी व सरकार की नीतियों से खुश हैं। आपको बता दें कि मंगलवार शाम सेक्टर 17 स्थित ब्लिस बैंक्वेट हॉल में जिला भाजपा की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भाजपा हर चुनाव को जीतती है। मुख्यमंत्री नायब सैनिक गरीब युवा महिला और किसानों की उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं से हरियाणा के लोगों के चेहरों पर खुशियां हैं। वहीं 24 फसलों को MSP पर खरीदने की गारंटी दे दी गई है। गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया गया है। आपको ये भी बताते चलिए कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर उत्साह मना रही कांग्रेस पर मुख्यमंत्री सैनी की घोषणाओं ने ब्रेक लगा दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।